Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to another weekly vlog. मैंने last week से start किया है to vlog weekly and I will vlog more as promised this year. तो आज Monday है and I started my routine again. मैं पिछले दो हफ्ते पहले मतलब 4 बजे उठ के अपना रूटीन शुरू करती थी एंड इट वर्कड आउट रियली वेल, क्योंकि जब आप जल्दी उठते हो तो आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है टू प्लान आउट द डे एंड टू डू द वर्क. तो जैसे मेरा बहुत बार ये एक्सक्यूज़ हो जाता था काइंड ऑफ कि आई डोंट हैव इनफ आवर्स इन द डे टू कम्प्लीट माई वर्क, ऑल दो जितने टाइम होता भी था आई यूज टू जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट. तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है वैन यू स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली. आई नो 4 बजे इज़ वे टू एक्सट्रीम बट इट वर्क्स फॉर अस बिकॉज मैं 5 बजे भी उठूँगी तो चल जाएगा, बट देन मेरे मम्मी और भाई भी 4 बजे उठ के नीचे जाते हैं, सो इट गेट्स कन्वीनियंट. अगर वो लोग जाते हैं तो आई फील मोटिवेटेड अ लिटिल बिट मोर, अगर वो नहीं जाते अकेले नीचे उतनी रात अंधेरे में जाने को मन नहीं करता है. सो या दैट इज़ वर्किंग आउट ग्रेट. सो 4 बजे उठ के, करेंटली इट इज़ 10:30 एंड आई एम डन विद ऑल द बेसिक्स, जो कि करते करते मुझे यूजुअली 1-2 बज जाते थे. सुबह 4 बजे उठ के आई वेंट फॉर रनिंग. आई रन फॉर 15-20 मिनट्स. दैट इज़ द बेस्ट आई कुड डू टूडे बिकॉज काफ़ी टाइम के बाद कर रही हूँ एंड ऑल्सो आई एम पथेटिक एट रनिंग, मतलब मुझसे नहीं भागा जाता है. यहाँ से वहाँ भागने में मेरे को इतनी सांस चढ़ जाती है जैसे मैंने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया हो. बट या आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट. डिड अ लिटिल बिट ऑफ कार्डियो फॉर अनदर 10 मिनट्स और सो, बिकॉज भागने के बाद मेरे में उससे ज़्यादा एनर्जी बची नहीं थी. एंड देन आई डिड मेडिटेशन फॉर 15 मिनट्स, दैट काम्ड मी डाउन. कार्डियो रनिंग वो सब करती हूँ तो माई बॉडी फील्स एनर्जेटिक एंड ऑब्वियसली थोड़ा बहुत टायर्ड, बट उसके बाद मैं मेडिटेशन करती हूँ एंड माई बॉडी काम्स डाउन और फिर मुझे नींद आने लग जाती है. तो घर आके बट आई डिडंट स्लीप. फिर मैंने ठंडे पानी से शावर लिया आज ताकि मैं जल्दी से उठ जाऊँ एंड आई रिफ्रेश्ड माई कर्ल्स. सो या आपको पता ही कि मैं नेचुरल हेयर रख रही हूँ, सो येस दिस इज़ माई नेचुरल हेयर. अभी मैंने जेल कास्ट नहीं हटाया है. काफ़ी सारे DMs आ रहे थे कि मैं ये रूटीन कैसे करती हूँ, तो मैंने उसके लिए वीडियो वीकेंड पे बना लिया है. होपफुली क्या मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो से पहले वो जा चुकी है, तो लिंक कर दूंगी आई बटन में, चेकआउट कर सकते हो. एंड उसके बाद आई रेड गीता, तो मैं भगवद गीता पढ़ रही हूँ. काफ़ी सारी मैं पढ़ चुकी हूँ ऑलरेडी, फिर बीच में गैप हो गया था बिकॉज आई गॉट माई पीरियड्स एंड उसके बाद छूट ही गया था. सो आज मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया. सो आई रेड दैट फॉर 1 आवर. आई हैड माई कॉफ़ी एंड देन आई हैड नाश्ता. आई हैड 1 बाजरे की रोटी एंड बीन्स की सब्जी एंड अभी मैं अपने भाई के लिए सैंडविच बना के आई हूँ, हेल्दी पनीर सैंडविच. एंड नाउ आई विल सिट फॉर माई वर्क. सो दिस इज द टू डू लिस्ट फॉर द डे एंड नाउ आई एम गोइंग टू सिट एंड एडिट द ब्रांड वीडियो बिकॉज आई नीड टू गिव दैट फॉर अप्रूवल टूडे इटसेल्फ. एंड अगर आज ही अप्रूव होकर आ जाती है सो आई विल अपलोड इट टूडे. लेट मी पुट द कर्टेन्स ऑन. या आई फील इट इज़ बेटर नाउ. पीछे से लाइटिंग ज़्यादा आ रही थी सो आज मैंने सुबह सुबह ही कर्टेन्स और दरवाजे वगैरह सब खोल दिए थे बिकॉज मैंने नोटिस किया है कि जब मैं एकदम कर्टेन वगैरह लगा के रूम डार्क में रखती हूँ तो मुझे ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता एंड आई फील वेरी वेरी स्लीपी. सो इसलिए आई वॉज जस्ट टेकिंग इन सम नेचुरल लाइट एंड नाउ आई एम गोइंग टू सिट डाउन टू एडिट द कॉन्टेंट. तो ये वाला जो वीडियो मैंने शूट किया है इसका ऑल ओवर द प्लेस फुटेज है. कुछ मेरे DSLR में है, कुछ इस वाले कैमरा में है, कुछ मेरे फ़ोन में है. सो आई नीड टू सॉर्ट आउट द फुटेज ऑल्सो. So it is already 1 PM and the work did not go as planned to be honest. पहले मेरा लैपटॉप अपडेट होने लग गया. आई डिड नॉट नो दैट 3 or 4 अपडेट्स वो पेंडिंग, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया. एंड देन माई फाइनल कट प्रो वॉज एक्टिंग अप, बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा था, तो फिर आई डिड समथिंग टू फिक्स दैट एंड होपफुली दैट इज़ डन नाउ. तो अभी जो मीडिया है वो वापस से इम्पोर्ट हो रहा है बिकॉज जो पहले हुआ था आई कुडंट यूज़ दैट. सो अभी इट इज़ एट 24% राइट नाउ, 25. सो आई नीड टू वेट अंटिल दैट गेट्स डन. मेरे अभी बाल पूरे ड्राई हो चुके हैं सो आई थॉट माइट एज वेल यू नो ब्रेक द कास्ट. तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्लम का क्या है, ये कोकोनट्स कॉलेन न्यूट्रिशाइन हेयर सीरम. सो नॉट स्पॉन्सर्ड बट आई रियली रियली लाइक दिस सीरम. सिर्फ एक ही पंप में एक पूरे साइड पे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगी एंड देन आई विल स्क्रंच इट. ओके द हेयर इज डन
and it looks pretty good. If you have curly hair, you can make like effortless curly, messy this ponytail, or even a messy bun. You just have to try it like this, and it looks really, really good. So I'm enjoying wearing my natural hair these days. And yeah, I'm just waiting for this to import. Okay, it is at 63% now. ये हो जाए तो फिर I'll just edit quickly. And also I'm waiting for lunch. सुबह जल्दी उठने का एक मेरे लिए डिसएडवांटेज ये भी है दैट आई गेट सुपर सुपर हंगरी थ्रू आउट द डे बिकॉज ऑब्वियसली आई एम वेकिंग अप अर्ली सो आई नीड मोर एनर्जी कंपेरेटिवली एंड अभी मुझे बहुत भूख लग रही है सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर लंच एंड ऑल्सो टू फॉर दिस टू गेट यू नो इम्पोर्टेड सो माई लंच इज फाइनली हियर दिस इज वॉट आई एम हैविंग आई हैव दाल एंड चावल I like to mix it all up and then have, I am a very basic person that ways. मुझे बिल्कुल भी अपने दाल चावल के साथ salad, papad, वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं पसंद And I'm watching YouTube. Meanwhile, I'm watching Anam का video. I love her. Many hours later. So I finally changed. अभी फाइनली मैंने अपने गर्मी के कपड़े निकाले नॉट वैक्स्ड और डन व्हाटएवर बट हाँ अभी थोड़ी सी गर्मी हो गई है शुरू तो मैंने अपने थोड़े बहुत कपड़े निकाल लिए हैं बट अभी आई एम स्टिल वेयरिंग हुडीज वगैरह बाहर जाने के लिए बिकॉज आई एम नॉट वेल एंड आई कैच कोल्ड रियली क्विकली सो आई वॉन्ट टू जस्ट यू नो बी प्रिकॉशंस अबाउट दैट अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश हो गई हूँ जिम से आके एंड आई एम गोना डू माई स्किन केयर अभी आजकल आई एम ऑन अ स्किन केयर डाइट बेसिकली तो आई एम नॉट डूइंग लाइक अ वेरी एलैबोरेट रूटीन विथ सीरम्स एंड एवरीथिंग मैं सिर्फ टोनर लगाती हूँ और मॉइस्चराइजर लगाती हूँ और सुबह के टाइम पे उसके ऊपर सनस्क्रीन भी लगा लेती हूँ बिकॉज आफ्टर आई गॉट सिक लास्ट वीक उसके बाद से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी बिकॉज इस मंथ लाइक लास्ट मंथ मुझे पीरियड्स भी नहीं आए थे तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल एक्ने हो गए थे मुझे अपनी स्किन को और ज़्यादा इरिटेट नहीं करना था आई लव दिस लिप बाम ये शुगर पॉप का है गिव्स अ ब्यूटीफुल टिंट एंड हाइड्रेशन माय रूम इज़ रियली मेसी राइट नाउ क्योंकि अभी मैं काम करके जिम चली गई थी ऐसी सो आई हैव टू क्लीन दैट अप बट बिफोर दैट मेरी वीडियो आजकल जब से मैं 4K में अपने वीडियोज़ करने लगी हूँ प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है तो मैं 6 बजे वीडियो लाइव नहीं कर पाई इसीलिए 6:30 पे मैंने स्केड्यूल की थी क्योंकि जितनी देर मैं जिम में थी उतनी देर में मेरी वीडियो प्रोसेस हो गई थी 4K तक आजकल मेरे बालों के साथ ना एक लव हेट रिलेशनशिप चल रहा है बेसिकली क्योंकि आई हैव लाइक लॉट ऑफ बेबी हेयर कैन यू सी तो ये न्यू ग्रो होता है क्योंकि डेंगू के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे सारे बाल झड़ गए थे तो वो वापस आने लगे हैं मतलब अच्छी बात यह है कि ऑब्वियसली मेरे बाल वापस आ रहे हैं प्रॉब्लम यह है कि कोई भी हेयर स्टाइल कर लो ये खड़े हो जाते हैं लाइक दे डू नॉट स्टिक तो मैं वैक्स स्टिक यूज़ करके इनको चपटा करती हूँ तो फिर मेरे पूरे बाल ही चपटे हो जाते हैं एंड अगर मैं नहीं करती तो फिर ये ऐसे ही उठे रहते हैं ओके सो बेसिकली आई हैव टू कीप द मेन प्रोडक्ट इन द हाईलाइट एंड आई हैव टू इंट्रोड्यूस द अदर 3 प्रोडक्ट्स एज वेल ओके सो स्क्रिप्टिंग द ब्रांडेड वीडियो इज आउट ऑफ आवर टू डू लिस्ट टुडे बिकॉज उन्होंने बोला है दैट दे विल बी सेंडिंग द ब्रीफ मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो सो वंस दैट इज डन ओनली आफ्टर दैट विल आई स्टार्ट शूटिंग आ जाओ ये ब्लाउज चल रहा है इसमें चल रहा है या नहीं चल रहा है इसी को चलाऊंगी हाँ चल जाएगा क्यों नहीं चलेगा चले या न चले चलाऊंगी इसी को हाँ चल जाएगा इसका ब्लाउज तो बनता नहीं है सही तो है हाय बोल यार कितनी बदमाश हो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव था आई डिड वॉट ऑल आई डिसाइडेड टू दो बार मैंने वर्कआउट किया दैट इज़ ऑल गुड आई एम फीलिंग एनर्जेटिक सो आई एम गोइंग टू रीड अ बुक जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मेरी बेस्ट फ्रेंड ने क्योंकि मेरे बर्थडे पे मुझे काफ़ी सारे नॉवल्स और स्टोरी बुक्स गिफ्ट कर दी थी तो फिर मैं वही पढ़ने में लगी हुई थी 3 महीने से एंड ऑल्सो गीता इन द मॉर्निंग बट आई वॉन्टेड टू स्विच थिंग्स अप एंड नॉवल्स और स्टोरी बुक्स छोड़ के आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ सेल्फ हेल्प बुक और मे बी समथिंग फाइनेंस रिलेटेड चलो आप लोग बताओ मुझे कि मैं कौन सी बुक पढ़ूँ पर जब तक आप बताओगे तब तक तो मैं चूज़ कर चुकी होंगी सो आई विल मे बी गो फॉर फाइनेंस बुक राइट नाउ एंड नॉट अ सेल्फ हेल्प वन सो माय न्यू रीड द साइकोलॉजी ऑफ मनी मेरे भाई भगवान जाने कब से मेरे पीछे पढ़ा हुआ था कि इस बुक को पढ़ ले सो यस दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ
तो अभी मैंने काफी देर रीड किया. आई एम लाइकिंग इट. स्टार्टिंग में इट इज इंटरेस्टिंग एंड आई हैव माई डिनर हियर. सो दिस इज माई डिनर. ये है बड़ी की सब्जी. यहाँ पे होती है कि नहीं आई डोंट नो, बट ये उत्तराखंड में होती है एंड वहीं से हमारी नानी ताई वो लोग सब बना के इसको भेजते हैं. लाइक ये घर पे बनती है खीरा से, दाल से, उन सब से बनती है. तो उसके मम्मी ने बनाई थी के साथ. मुझे रोटी पसंद नहीं आती है. आई लव चावल विद बड़ी की सब्जी. गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज द नेक्स्ट डे. इट फील्स ओनली सो वियर्ड कि अभी 6 बज रहे हैं एंड आई एम ऑल ग्लैम्ड अप एंड रेडी फॉर ऑफिस, जिसके लिए कि मुझे 7:30 बजे निकलना है. बट इट इज़ गुड कि मैं ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करूँगी. आई विल डू ब्रेकफास्ट. एंड कल सोने में काफ़ी लेट हो गया था. आई डिड नॉट स्लीप एट 10 PM एज इंटेंडेड. आई कॉल्ड अ फ्रेंड एंड उससे बात करते करते 11 बज गए थे. एंड देन मैं और मेरा भाई व्हाट्सअप करने में लग गए थे, तो फिर 11:30 बज गए थे. लिटिल स्लीप डिप्राइव्ड बट आई फील फुल ऑफ एनर्जी. 4 बजे उठ गई थी. आई वेंट फॉर द वॉक, मेडिटेशन, ऑल ऑफ दैट. अबी जब तक कि ऑफिस का टाइम नहीं हो जाता, आई विल हैव ब्रेकफास्ट एंड आई विल रीड भगवद गीता. उसके बाद आई लीव फॉर ऑफिस. आई एम बैक फ्रॉम ऑफिस, सुपर टायर्ड. दिस इज़ द फेज वेयर जब नया नया वर्कआउट या फिर मतलब कुछ भी ऐसा फिजिकल एक्टिविटी टाइप स्टार्ट करते हैं ना लाइफ में, फिर वो दूसरे और तीसरे दिन ऐसे आते हैं कि भाई मैं ये क्यों ही कर रही हूँ, इज़ दिस पेन इवन वर्थ ऑल ऑफ दैट. सो आई एम इन दैट फेज राइट नाउ. मेरे पैरों में इतनी दर्द हो रही थी आज पूरे दिन. आई वॉज बेरली एबल टू वॉक प्रॉपरली पूरे दिन. सुपर टायर्ड राइट नाउ. या आई वॉन्टेड टू शो यू ऑल कि अभी ना .in की पे चल रही थी सेल, ये बाय वन गेट वन की. अगर अभी भी चल रही होगी तो चेकआउट कर लेना. मेरा कोड भी है Sony10, यूज़ कर लेना. आई थिंक 10% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा. सो आई गॉट दिस. जस्ट लुक एट दिस फेस वॉशेज. ये 4 फेस वॉशेज हैं बिकॉज मेरी मम्मी का फेस वॉश खत्म हो गया था एंड सेल चल ही रही थी. शिपिंग लग रहा था तो पता नहीं 5000 रुपये की शिपिंग बचाने के चक्कर में मैंने सोचा चलो एक और प्रोडक्ट ऑर्डर कर देती हूँ. तो मैंने 2 फेस वॉश की जगह 4 फेस वॉश मंगा लिए. सो आई बॉट 2 एंड आई गॉट 2 free. फिर मैंने उसमें अपना कोड भी लगाया तो मुझे 10% डिस्काउंट भी मिल गया. तो मुझे 500 रुपये में 4 फेस वॉश मिल गया. एंड दीज फेस वॉशेज आर रियली रियली गुड. मतलब .in के सारे ही फेस वॉश बहुत अच्छे हैं. सो यू कैन चेक इट आउट. बट मेनली मेरे को आपको दिखाना था कि लुक एट दिस स्टिकर शीट, कितनी क्यूट स्टिकर शीट है. आई एम ऑब्सेस्ड विद स्टिकर्स लेटली. एंड ऑल्सो दे गेव मी दिस फॉर फ्री. ये मिनी वर्जन है ऑफ द .in की सीका कामिंग नाइट जेल. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट मॉइस्चराइजर्स फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन एंड ऑल्सो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप. दिस इज अनदर थिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर. ओ माई गॉड, एवरीबडी अराउंड मी इज गेटिंग मैरिड. मेरे स्कूल के फ्रेंड्स की शादी हो रही है, मेरे कॉलेज के लोगों की शादी हो रही है. नाउ माई कलीग्स आर गेटिंग मैरिड एंड मुझे मतलब आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ आई एम वे टू यंग टू गेट मैरिड राइट नाउ. एंड देन थिंग्स लाइक दीज आर हैपनिंग अराउंड मी एंड देन आई एम क्वेश्चनिंग एम आई रियली दैट यंग टू गेट मैरिड और एम आई इन डिल्यूजन. बट देन इवन इफ इट इज़ अ डिल्यूजन, यू नो डेलुलु इज द न्यू सलुलु. सो आई एम जस्ट गोना गो बाय दैट एंड आई एम वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड राइट नाउ. सो द थिंग इज दैट मतलब ना कई बार ऐसा ब्लॉग सा हो जाता है कि व्हाट शुड आई मेक. लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज बट आई डोंट नो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग ऑल दोज और नॉट, बिकॉज कभी कभी ना बिल्कुल व्यूज नहीं आते. तो मुझे बड़ी वो हो जाती है कि भाई क्या करूँ क्या बनाऊँ. तो आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताओ कि आपको क्या वीडियो देखना है. एनी क्वेश्चन दैट यू हैव ड्रॉप इट इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो एंड आई मेक देम. वाई नॉट, लाइक ऑब्वियसली आई एम हियर फॉर यू गाइज राइट. सो द मोमेंट आई सैट डाउन टू डू माई वर्क, हमारा प्लान बन गया डीमार्ट जाने का फॉर ग्रोसरी शॉपिंग. एंड हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं बिकॉज अभी होली आने वाली है. सो वी नीड टू गेट सम स्टफ फ्रॉम देयर. ऑल्सो लुक एट दिस, ये भैया हमारे लिए बैंकॉक से लेके आते हैं. इट लुक सो रियल, इतना ज्यादा क्यूट लगता है. तो हमने इसी गाड़ी में यहाँ पे लगा दिया एंड आई रियली रियली लाइक इट. जो तुम मेरा कहना मानते हो क्यों? मैंने आपका क्या कहना नहीं माना? मैंने मना किया था आपसे जाने के लिए. अच्छा क्या बोला था मैंने? हैं क्या बोला था मैंने बताओ, फिर सच बताओ ना, पूरी बात बताओ. क्या बोला था मैंने? बोलो बोलो. मैं नीचे बोला, ये बोला था मैंने. और क्यों बोला था? तू गाड़ी को अच्छा बदल दिया. कोई चांस ही नहीं है डीमार्ट की पार्किंग खाली हो जाए. एंटायर एरिया यही पे आ रखा है शॉपिंग करने. डीमार्ट में हमेशा ही भीड़ होती है. I
आई हैव नेवर क्रेव शुगर एज मच एज आई डिड टुडे. इतने सारे चॉकलेट्स और लेज देख के मुझे इतनी क्रेविंग हो गई थी, बट उसके बाद मुझे मेरे पैर का दर्द रियलाइज हो गया था. एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, कम से कम एक दो दिन तो रुक ही जाते हैं. आई डोंट नो कितने ज़्यादा दिनों तक मैं कंट्रोल कर पाऊंगी, बट देन आई ended up getting Amul Masti Chhach because that's the best we can have. Good morning guys, it is currently 11 a.m. like almost noon, just 1 hour to noon, but yeah, I did wake up at 4. Oh my god, my legs are paining and how, but today was better. I was able to run more without taking a lot of breaks. Matlab kal ke comparison mein today was better. So like I don't run but I jog basically, and even that is difficult for me because pata nahi kyun it's just not my cup of tea. But yesterday was better than yesterday. I took a bath, I had to wash my hair, but utti subah subah I couldn't apply the DIY hair mask jo main lagane ki soch rahi hu, to fir maine abhi aise hi nahala liya tha, kaam chalao. I'll wash the hair probably in the evening or maybe tomorrow because abhi humko gujiya banane hai. Geeta padh ke main aadhe ghante ke liye so gayi, sone ka socha tha, but aadhe घंटे से एक घंटे हो गया था. सो आई टुक दैट नैप एंड आफ्टर दैट ओ माई गॉड इट वॉज सो डिफिकल्ट टू वेक अप. मैंने पिछले 3-4 महीने से कॉफी गिव अप कर चुकी है बिकॉज आई गेट अडिक्टेड टू कैफीन लाइक रियल बैड. उसके बाद आई एम नॉट एबल टू, एक टाइम तो ऐसा गया था कि आई यूज टू ड्रिंक लाइक 4 cups ऑफ कॉफीज इन अ डे एंड दैट्स हाउ आई यूज टू सर्वाइव. बट देन आई लेफ्ट कॉफी फॉर अ लॉट ऑफ मंथ्स नाउ. बट अभी क्योंकि सुबह मैं 4 बजे उठने लग गई हूँ तो फिर आई डोंट थिंक आई कैन डू विदाउट कॉफ़ी. फिर कॉफ़ी पी के ही मुझे होश चढ़ा था. अभी मैं जा रही हूँ मम्मी की हेल्प करने गुजिया बनाने के लिए बिकॉज होली आने वाली है. सो वी आर स्टार्टिंग द होली प्रेपरेशन टुडे इटसेल्फ. आई बोल नहीं बोल रही. क्यों क्यों नहीं बोल रही? अब तो मैंने कुछ किया भी नहीं है. तो ये कैमरा में एक्टिंग मत दिखाया कर. क्या मतलब है इस बात का? अपना असली रूप दिखाया कर. क्या मैंने कौन सा नकली रूप दिखाया? आप मेरे से हंस के बात करती हो जिंदगी में कभी? भाई आप अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं अपना आप मेरा असली रूप बता दो कि आप क्यों गुस्सा हो बताओ जरा, फिर लोग डिसाइड करेंगे कि मेरी गलती थी कि नहीं थी. सुबह से चाय बना रहा वो तूने नहीं बनाई. आप चाय की बात पे तो गुस्सा नहीं हो? हाँ कुछ और काम कर दे. क्या 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 डिस्क्राइब डिटेल में करो. मेरे को जरूर नहीं है. नहीं क्यों करो ना जब आपका ऐसा. ओहो इन्होंने मुझसे बोला कि गुजिया की प्रेप स्टार्ट कर, मैंने इनसे बोला कि आप अभी अपना काम करो मैं अपना काम करती हूँ, उसके बाद दोनों साथ में मिलके गुजिया बनाएंगे. तो इनका ऐसा था कि ये अपना हाँ तो ये अपना काम करे और उस टाइम पे मैं गुजिया की प्रेप स्टार्ट कर दूं, मैं अपना काम छोड़ दूं. और मैंने बोला कि नहीं पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ फिर हम ये करेंगे. तो इस बात पे ये गुस्सा हो चुकी है. जस्ट इंडियन मॉम थिंग्स. अरे मम्मी मैं सही में काम करने आई हूँ बताओ. नहीं, अब तेरे काम की जरूरत ही नहीं है मुझे. रीजन मैं अब तो मैं आ गई हूँ, मैं खुद कर लूंगी. अब मैंने क्या करना है? आप सारे गुजिया अकेले बना दो. हाँ हाँ और क्या. फिर जब तुम छोटे थे तो मैं नहीं करती थी, कहना थोड़ी हो रहा. अभी हाँ, तो तुम्हारे भरोसे आ जाती थी सारी आंटियां आ जाती थी. गुजिया की मशीन नहीं मिल रही मेरे को, गुजिया की मशीन लेके आ नीचे से. ओके सो फाइनली द इजी पार्ट इज डन. हमने बनाए हैं शक्कर पारा एंड वी हैव नमक पारे. इस बार हमने इन्हें मेरे कुकी कटर से ऐसे शेप्स में काटे हैं. वी हैव हार्ट स्टार एंड लाइक 3-4 more shapes एंड ऑब्वियसली गुजिया भी बनाए हैं. अभी ये हो चुके हैं, लास्ट बैच था. लोगों को बाद में दिखाती हूँ, अभी पता नहीं हमने कहाँ पर रख दिया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. बट येस एज आई सेड द इजी पार्ट इज डन इनको बनाने का. नाउ द डिफिकल्ट पार्ट स्टार्ट्स वेयर इन हमको अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करना है और इतना डीप फ्राइड नहीं खाना है बिकॉज मेरी मम्मी और भाई दे लव शक्कर पारा एंड गुजिया एंड आई लव नमक पारा. मतलब इतना ज़्यादा कि मैं 2-2 कटोरी एक साथ खा जाती थी एंड देन मेरा पेट खराब हो जाता था. एंड ऑल्सो प्लीज इग्नोर द मेस दैट आई एम राइट नाउ. आई डिड नॉट गेट टाइम टू डू एनीथिंग दैट आई प्लान्ड फॉर टुडे, बट द डे इज नॉट ओवर येट. तो मैं आके करने वाली हूँ. आके कहाँ से? जिम जा रही हूँ बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट कि मैं ये एक्सक्यूज लेके आकर जिम स्किप कर दूँ बिकॉज कल एनीवेज जिम की छुट्टी थी. सो आई जस्ट टाइड माई हेयर अप इन अ नॉट एंड आई स्लीक्ड बैक माई हेयर विद द वैक्स स्टिक क्योंकि मेरे बाल बहुत गंदे हो रहे हैं. Let me know if you want to, you know my top 5 books that I would recommend each and every one of you to read, like for sure, especially for girls. Like
आई फील लाइक एवरीबडी शुड रीड बुक्स. जितनी नॉलेज यू गेट फ्रॉम बुक्स यू विल नॉट गेट फ्रॉम एनी वेयर, नेवर एवर एवर. लाइक रीडिंग बुक्स इज द बेस्ट वे टू गेन नॉलेज ऑन एनी फ्रिकिंग टॉपिक. गर्ल्स यू शुड डेफिनेटली टेक आउट टाइम एंड रीड बुक्स. स्टॉप स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब शॉर्ट्स. आई एम गिल्टी ऑफ डूइंग दैट बट आई हैव कॉन्शियसली टेकन मेजर्स टू रिड्यूस माई स्क्रीन टाइम एंड उसके बदले आई रीड बुक्स. सो गर्ल्स डेफिनेटली स्टार्ट रीडिंग बुक्स, इट विल हेल्प यू ऑल इन द लॉन्ग रन. सो आई एम गोना रीड दिस बुक राइट नाउ. All right, guys, this was it for today's vlog. I hope आप लोगों को पसंद आया हो. These were the little things जो हम लोग अपनी होली प्रेप में करते हैं. मतलब पहले बचपन में तो बहुत ज़्यादा करते थे, अब तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है बिकॉज अभी कोई इतना ज़्यादा ऑयली खाता ही नहीं है. तो पहले वी यूज़ टू मेक सो मैनी स्नैक्स, इट यूज़ टू बी क्रेजी. एंड ऑल्सो बिकॉज पहले हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ पे लाइक वी हैड अ लॉट ऑफ फैमिली फ्रेंड्स. तो मम्मी की सारी फ्रेंड्स, उनके सारे बच्चे और लाइक हमारे फ्रेंड, तो हम लोग सब लोग मिल के करते थे, बहुत मजा आता था. अब यहाँ पे इतना ज्यादा किसी को जानते भी नहीं है, सब लोग अपने अपने में ही रहते हैं, तो उतना ज्यादा होता ही नहीं है. लाइक फेस्टिवल्स का चार्म इसी वजह से खत्म हो गया, जब से पीपल हैव स्टार्टेड बीइंग यू नो विद इन देमसेल्फ विद इन द फैमिली, तब से वो चार्म खत्म हो चुका है. बट एनीवेज लास्ट ईयर तो होली सेलिब्रेट ही नहीं करी थी. लास्ट ईयर तो आई डोंट थिंक हमने कोई भी फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था बिकॉज माई फादर अंडरवेंट सर्जरी एंड देन यू नो बहुत सारा प्रोसीजर डेढ़ दो साल चला. सो दिस ईयर होपफुली इट विल बी बेटर एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड. तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ. आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ आप लोगों की होली प्रेप्स कैसी थी, आप लोगों ने क्या क्या किया. एंड आई शिल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग. मोस्ट प्रोबेबली होली व्लॉग होगा नेक्स्ट. येस आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू ऑल कि हमारे यहाँ होली कैसे मनाई जाती है. बट येस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही. मुझे नीचे कॉमेंट्स करके बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, इफ़ यू वॉन्ट मी टू डू मोर ब्लॉग्स और नॉट. एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड ऑल्सो हैप्पी होली गाइज. आई थिंक ये वीडियो होली के बाद या होली के दिन ही जाएगा. सो हैप्पी होली गाइज एंड आई शेल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट ब्लॉग. टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी. बाय बाय.